सर, मेरा नाम गुरसेवक सिंह और मैं, हाँ जी, रामा मंडी का रहने वाला हूँ और मेरी यहाँ पे कार मैकेनिक की वर्कशॉप है, सेवक मोटर। यार जी, तो जो रामपाल जी ने पूरा नक्शा बना के इसको वर्कशॉप में तैयार करवाया, मेरे को उन्होंने बोला अभी इसको चालू करना है, तो इसके अंदर जो इंजन, जो मैकेनिकल काम है वो हमने किया है टोटल। इसके अंदर मारुति का इंजन लगा हुआ है और गियर भी मारुति का है, टोटल सामान मारुति का है। और इसमें 3 सीटें रखी गई हैं जो 3 आदमी इससे आराम से बैठ सकते हैं। सर, इसकी हमने सीट है जो, मान लो सीट है जो, वो इसकी नॉर्मल रखी हुई है जो इसका बैलेंस ना बिगड़े, और अगर मारुति 80 पे जाती है तो ये 20 पे चलेगा। और और इसकी बॉडी नॉर्मल चला सकता है कोई व्यक्ति? हर कोई एक बार तो थोड़ा सा झटका देता है ये, तो थोड़ा सा आराम से चलाएगा तो पहली बार आता है ना, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। जो डेली चलाता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसकी। गांव सेखू का रहने वाला हूँ। जो रामपाल जी ने जे विमान तैयार किया है, जहाज, इसकी रामा मंडी को एक तोहफा दिया है। इसकी हमें बहुत खुशी है कि रामा मंडी का नाम रोशन कर दिया। सारे एरिया ने, सारी दुनिया च देखने योग चीज़ बनाई है रामपाल जी ने। हाँ जी, दूर दूर से देखने आ रहे हैं। जो रास्ते में लेके जाते हैं तो गड्डियाँ रोक रोक के वाइट लेते हैं, तो हमें पूछते हैं भी किसने तैयार किया है। तो पर रामपाल जी ने एक मिसाल कायम कर दी भी रामा मंडी च एक जहाज बना के। रामपाल वेनीवाल, मैं रामा मंडी जिला बठिंडा से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो यही है कि ये मेरा एक सपना तो था, मैं कलाकार हूँ, कि कुछ ना कुछ नया किया जाए। तो मेरे सामने जब राफेल का सीन आया टीवी पर, जो जब ये मोदी जी ने जो परचेज किए हैं अम्बाला में उतरे, तो मैंने उनको बड़े ध्यान से देखा, और देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आया कि इनको राफेल को बड़ा अच्छे तरीके से बना सकते हैं, कैसे बनाएं। तो उसके मैंने बार बार अपने स्नैप देखे, स्नैप जी के बारे को देखकर उसमें अंदर मैंने झांका देखा फुलफिल। इनकी सीट्स मेरे को लगी कि ऊपर जो इनके कांच लगा है उसकी जगह कांच ना लगे तो सीट बाहर दिखेगा, और जो इसमें बैठने वाला है वो दिखाई देगा। तो दिखाई देने के साथ ही मेरे मन में ये आया कि अगर हम इसको बनाते हैं तो क्यों ना इसको शादियों में यूज किया जाए। तो ऐसे करते करके माइंड में नक्शा बनता गया और मैंने इसका फुलफिल अपने दिमाग में नक्शा बिठा लिया। नक्शा बिठाने के बाद मैंने अपने बेटे से बात की, अश्विनी कुमार आशु, कि अभी मेरे अपने ये राफेल टाइप एक पंजाब राफेल के नाम पे तैयार करना है। तो बहुत खुश हुए, बोले डैडी जी आप तैयार करिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने फिर ये कुलदीप जी से, हमारे कुलदीप सिंह हुंजन मैकेनिक हैं, वर्कशॉप मिस्त्री पंगा सिंह, तो उनसे बात किया कि भाई ऐसे ऐसे करके ये डिजाइन है, इसको हमने तैयार करना है। तो मैंने धीरे धीरे खुद उसकी कुछ हेल्प की और कुछ उसने किया, जिससे ये बनाना शुरू कर दिया। और बनते बनते ये धीरे धीरे जैसे जैसे बनता गया तो हमारा भी हौसला बढ़ता गया कि ये एक अच्छी आइटम बनती जा रही है। बिल्कुल जो माइंड में था वो सब कुछ बनता जा रहा है। तो उसको बनाते बनाते फिर लास्ट में पंख लगाए और फिर देखा कि इसमें इंजन कहाँ फिट करना है, तो इंजन बैक साइड पे हमने इंजन फिट किया। फिर देखा इसमें सीट्स थोड़ी सी ऊंचाई में दे, ताकि जो बैठेगा पीछे, दूल्हा बैठेगा उसके साथ बैठेंगे, वो दिखाई दें, तो उनकी सीट्स को थोड़ा सा ऊंचा किया। फिर दिमाग में आया कि इसके पीछे वाला जो है साइलेंसर, हमने सिंगल साइलेंसर लाया ताकि इसकी आवाज़, मारुति का डबल साइलेंसर होता है, सिंगल लगाया ताकि इसकी आवाज़ एक अच्छे तरीके से निकले और ये दिखे कि ये कोई जहाज टाइप आवाज़ है। इसके पीछे वाले पहिए हमने थोड़े से हैवी रखे, आगे वाले थोड़े से लाइट रखे, ताकि पीछे वेट ज़्यादा था, आगे कटाई आसान रहे। तो इसमें मैकेनिक, इंजन का जो मैकेनिक हमारे सेवक सिंह जी हैं, उनसे मैंने बात किया कि सेवक जी ऐसे करके हमने यार एक जहाज तैयार करना है, तो इसके बीच इंजन फिट करना है। तो बोले भी मारुति का इंजन फिट आ जाएगा। तो मैंने उसको दिखाया और उसकी सुजेशन ली, तो वो इस बात में एक्सपर्ट है। तो
तो जैसे कुलदीप जी अपने काम एक्सपर्ट हैं, वो अपने काम एक्सपर्ट हैं, तो इन दोनों ने मिलजुल कर इसे जो था तैयार कर दिया। सहयोग सहयोग सबसे पहले तो मेरे को अपने घर से मेरे बेटे का मिला, फिर उसके बाद जो खालसा लेबर कॉलोनी है उनके मालिक जज हैं, उनको जज प्यार से बोलते हैं, उनका मेरे को बहुत बड़ा सहयोग मिला। मुन्ना गुप्ता कॉलोनी मुन्ना कुमार जी हैं, उनका बड़ा सहयोग मिला। बिल्कुल बात अच्छा किया आपने, सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेरे को सहयोग मिले हैं जो अपने घर से और मेरे मित्रों से, उसकी बदौलत ही मैं कुछ कर पाया हूँ। क्योंकि मैंने एक सपना लिया था बहुत पहले कि मैं एक कल्चर पार्क तैयार करके अपने एरिया को दूँ, तो मैं वो कल्चर पार्क तैयार कर रहा हूँ, उसमें ये इसको रखना है, वहाँ ट्रैक बनाया है ताकि लोग, आम जनता, आम लोग, आम बच्चे जो खर्चा करके जहाज का सफ़र करने का सपना ही लेते हैं, वो सपना नहीं, वो सच में बैठकर अपना इसमें झूठा लें और आनंद लें, और उनका खर्चा कोई ऐसा हो कि जैसे कोई फील ही ना हो। तो ये बात भी मेरे मन में थी, वो बात भी अब वो मालिक जो सुन ली परमात्मा ने, तो वो भी हो गया। दूसरा ये है, जो आर्ट की बात करूँ तो मैं आर्ट कहीं से सीखा नहीं, बट ये मेरे को मेरी मदर से, मेरी माता जी से मिला है, और मेरे गुरु बाबा भवन तलवंडी से हैं, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि तेरे को कुछ बनाना है, तो उनका आशीर्वाद भी सच हो गया। इसमें लगभग 1.5 महीने लग गया, और लागत इसकी तकरीबन 2.5-3 लाख रुपया जेब से लग चुका है। हाँ, इससे पहले मैंने मॉडलिंग काफ़ी की है, बट जो ऐसी आइटम तैयार की है वो रेल इंजन तैयार किया मैंने, शिमला रेल इंजन, वो भी बहुत पसंद किया गया, हूबहू उसे भी, उसमें भी ऐसे फंक्शन डाला है कि उसको रेल लाइन पर, रेलवे लाइन पर जैसे इंजन चलते हैं वैसे चलाया जा सकता है, वैसे फंक्शन है उसमें, जैसे पहिए चलते हैं, फट्टी चलती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, भाप वाला इंजन तैयार किया, वो भी मेरा एक पिछले साल का एक तोहफे कह सकता हूँ मैंने अपनी मंडी को दिया है। इसकी स्पीड कम की हुई है, चक्कर कम किए हुए हैं ताकि ये रोड पे चले, बैलेंस ना खराब हो, तो इसकी स्पीड 1/4 की हुई है। जैसे मारुति 80 पे भागती है तो उसी स्पीड पर जे 20 पे भागेगा, तो इसकी स्पीड 15-20 किलोमीटर है। अच्छा, इंडियन आर्मी की शान है रफेल, और रफेल का नाम दिया जा रहा है, लगता नहीं कि रफेल की शान कभी खराब होगी? नहीं, मैंने इसको पंजाब रफेल बोल रहा हूँ, क्या हम पंजाबी हैं, मैं अपने स्टेट के नाम से बोल रहा हूँ, ये हमारा पंजाब का रफेल है। नहीं, ऐसा है, मैं ये एंजॉय के लिए कर रहा हूँ, ना कि कोई अपने प्रोफेशनल भाई मैंने इसको टिकटें लेकर जो है किसी को बिठाना है, मैं अपने कल्चर पार्क की बात कर रहा हूँ। रोड पे तो सिर्फ ये क्या है कि एंजॉय है, ये एंजॉय दे रहा हूँ ताकि जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर एक भावना जागे, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बने कि अगर ये एक आम आदमी कुछ बना सकता है तो हम भी बहुत कुछ बना सकते, क्योंकि बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत है। अच्छा, दूसरा मैं जो कल्चर पार्क में भी यही कर रहा हूँ कि बच्चों के लिए एक प्लेटफार्म, जैसे कोई आए वहाँ कुछ अपना कुछ करना चाहे करे, ताकि उसके अंदर उसको कुछ ज़रूरत है, वो ज़रूरत उसकी पूरी हो जाए, वो अपना टैलेंट बाहर निकाले। हो सकता है कोई बच्चा